हेलो, नमस्कार दोस्तों। डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से विकिरण प्रसंस्करण के अनोखे लाभ हैं, वो आपको बताना है कि विकिरण प्रसंस्करण मतलब कि रेडिएशन प्रोसेसिंग होती है, उसकी हेल्प से क्या एडवांटेज है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो, रिसेंटली कंटेक्स्ट भी था तो उसके बारे में पहला ऑप्शन दिया गया आपके सामने, तो आपको एक बार एक टाइम मिलता है, आप एक बार सोच लीजिए इनमें से आंसर बढ़ेगी। देखो, आप ये कर सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारे ऑप्शंस को इजीली पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आंसर है वो अपने मन में या कहीं भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम साथ ही इसके आंसर्स को डिस्कस है वो कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, फल सब्जियां अनाज दालों जैसे मांस जैसे प्रोडक्ट हैं इनकी जो लाइफ है इसको एक्सटेंड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि हानिकारक बैक्टीरिया वायरस और कीड़े मकोड़ों का प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि जो हानिकारक, तीसरा ऑप्शन भी एक्चुअली सेम ही दिया गया यहाँ पे, और चौथा ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज, ये बेसिकली है। तो आपने आई होप इसका आंसर है वो सोच लिया होगा। तो चलो देखते हैं इसके आंसर को। देखो, बेसिकली जो रेडिएशन प्रोसीजर होती है इसकी हेल्प से, अभी न्यूज ये थी, कंटेक्स्ट भी आया था कि जो हमारे देश का जो BRC है जिसे हम बेसिकली बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसने भी ये डिसाइड किया था कि अगर रेडिएशन का हम सही ढंग से यूज करें तो जो फूड प्रोडक्ट होते हैं इनकी लाइफ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया है इनको हम खत्म है वो कर सकते हैं, तो लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। पहला ऑप्शन भी सही हो जाता है। इसके साथ ही जो उनकी क्वालिटी है इसको भी थोड़ा इंप्रूव कर सकता है कि ताकि जल्दी खराब है वो नहीं हो सके। तो बेसिकली इसमें ऑल ऑफ दिस का आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा वो आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत के ग्रामीण युवाओं के लिए आइडिया को कारोबार में परिवर्तित करने में मदद है वो करेगा। मतलब भारत के रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, उन यूथ के जो आइडियाज हैं उनको कारोबार में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा काम वो करेगा। पहला ऑप्शन है ई रकम, दूसरा है ई नाम, तीसरा है एग्री उड़ान और चौथा है PMKSY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये आपको देखना कि कौन सा इसमें सही है। देखो, हम बात करें तो ई रकम के बारे में हमें पता है कि ये तो बेसिकली प्रोक्योरमेंट का एक पोर्टल है, और ई नेम के बारे में हमें पता है कि ये तो एक तरीके की मंडी है। तो बेसिकली बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो ये भी देखो कौशल स्किल के लिए है। अब हम बात करते हैं हमारे सही आंसर है यहाँ पे इसका। देखो, जो आंसर है यहाँ पे वो होगा सी। सी बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्री उड़ान गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली स्कीम या एक प्रोडक्ट आप बोल सकते हो कि सर्विस लाई गई थी, जिसका मेन मोटिव ये था कि कृषि में जो भी नवाचार है, इनोवेशन है, इसको प्रमोट किया जा सके। अब देखो, एग्रीकल्चर का काम तो आपको पता है वो बिजली रूरल एरिया में होता है, तो मतलब वहाँ के जो यूथ हैं उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। इससे नए इन्वेस्टर्स भी इंडिया में आएंगे और काफी बेनिफिट होने वाला है। तो एग्री उड़ान है, उसके तहत नए स्टार्टअप्स वगैरह है वो किए जाएंगे, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में निसार क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि सोलर फ्लेक्स के अध्ययन के लिए इसरो का एक मिशन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि नासा के भौगोलिक समकालीन लॉन्च व्हीकल मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो भारतीय उपग्रह को लेके जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो टू को डेवलपमेंट एंड लॉन्च ए ड्यूल फ्रिक्वेंसी सिंड्रिक अपर्चक रडार की बात यहाँ पे की गई है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि नई खोजी हुई गुड़ते तिरंग है उनकी स्टडी करने के लिए अब्दुल कलाम आइलैंड पे एक नया, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक रिसर्च सेंटर हुआ है। तो देखो, निसार के बारे में हम ये भी न्यूज में रहा था, कंटेक्स्ट का आपको पता ही ओबियसली। तो सबसे पहली बात तो निसार है क्या, देखो निसार है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और इसी के साथ USA के जो नासा है उनका मिला के प्रोग्राम है, और इसीलिए इसका नाम निसार रखा गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें है क्या, बेसिकली एक तरीके का अपर्चर रडार है। इसमें होगा क्या, इसमें दो फ्रिक्वेंसी होंगी, एक फ्रिक्वेंसी है वो तो USA यूज करेगा और एक फ्रिक्वेंसी है वो इंडिया यूज करेगा। दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं इसको, तो इसका ऑप्शन ऑब्वियसली यहाँ पे सी हो जाता है कि यह सिंथेटिक अपर्चर रडार है उपग्रह जिसको लॉन्च किया जाना था और उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। जो क्या काम करेगा, हमारी अर्थ की जो इमेज सेटेलाइट है उसको ढंग से एक तरीके से मॉनिटर करेगा और जो भी नेचुरल प्रोसीजर हो रही है उनको एक तरीके से ट्रेस करने में काफी हेल्पफुल है वो रहेगा। तो निसार के बारे में ध्यान रखना कि है क्या, नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर एक राडार है जो कि स्पेस के अंदर लॉन्च है वो किया जाना है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अगला वो आया है बेसिकली नाविक के बारे में, कि नाविक के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यह एशियाई क्षेत्र में स्थित जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इसमें 7 उपग्रह हैं, इनमें से 3 हैं वो हिंद महासागर पर जियोसिंक्रोनस में होंगे और इसके बाद में दिखाया गया कि अर्थात वे
आकाश में स्थिर दिखाई देंगे और चार हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होंगे, जो कि दिन हर दिन में एक समय पे एक ही बिंदु पे आपको दिखाई देंगे। तो देखो ये चीज़ तो हमें बताया है, बेसिकली हम बात करें कि नाविक के बारे में कि टोटल 7 सेटेलाइट हैं, जिसमें से तीन की बात है, तीन एक जगह है, चार एक जगह है, ये भी फैक्ट हमें पता है। तो उसके बारे में थोड़े इसके आंसर वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, दो तरह की सेवाएं होंगी। अब देखो यहाँ पे बात हम करें कि तीन है ना, यहाँ पे जो बात की टोटल 7 उपग्रह हैं इसमें नाविक के अंदर, और इनमें से तीन है ना वो तो एक्चुअली क्या है, जियो सिंक्रोनस में नहीं है, वो जियो स्टेशनरी में है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो ऑब्वियसली सेकेंड स्टेटमेंट इसका गलत है, वो हो जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया था आप खुद देख सकते हो। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है यहाँ पे कि है एशियाई क्षेत्र में, देखो पूरे एशियाई क्षेत्र की बात है ही नहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि वो केवल इंडिया के और इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर वाले एरिया को ही कवर है वो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है और पहला भी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। अब देखो नाविक के बारे में थोड़ी और फैक्ट भी हम देख लेते हैं। नाविक जो क्षेत्रीय नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है, जो कि इंडिया का है बेसिकली, जिस तरीके से यूएसए का जीपीएस हम फोन वगैरह में यूज करते हैं उसी तरीके का सिस्टम है। इसमें बेसिकली दो तरह की सर्विस है। एक सर्विस तो वो है जो कि मिलिट्री के लिए जरूरत है, मतलब काफी सेंसिटिव, जैसे कोई भी जियोग्राफिक लोकेशन वगैरह देखनी हो और जूम वगैरह करना हो तो वो काम तो मिलिट्री के लिए है, वो केवल ऑथोराइज पर्सन ही देख सकता है। और दूसरी होंगी वो होंगी स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जो कि हम नॉर्मली आम लोगों के यूज के लिए वो होंगी। तो ये चीज भी हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। चलो आप ये बताइए कि जो नाविक उपग्रह थे, बेसिकली 7 थे इसमें आपको बताया, तो कौन से सैटेलाइट व्हीकल की बेसिकली हेल्प से इनको लॉन्च है वो किया गया था, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल होंगे, आई होप कि आपके लिए ये जो डिस्कशन है काफी हेल्पफुल वो रहने वाली है एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है भारत 22 के बारे में, कि रिसेंटली न्यूज में था तो है क्या। पहला ऑप्शन दिया गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी बैंक, सरकार की निवेशी शाखा के कुछ हिस्सेदारी सहित 22 कंपनियों की एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए एनजीटी द्वारा स्थापित 22A मानक है। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत हो जाता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पढ़ा हो तो ये गलत होना ही होना है। तीसरा स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि 22 कंपनियों, जो 22 कंपनीज हैं उन्होंने मिलकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उनके अनुपालन के लिए तैयार किया है, जो कि भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरीके से मंजूरी है, मौका है, वो प्रोवाइड करवाएगा। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखो अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो पहले और तीसरे में हो सकता है, कि पहले और तीसरे में से, क्योंकि दूसरा और चौथा तो बिल्कुल गलत है ये। अब देखो हम यहाँ पे बात करें 22 के बारे में, इसके बारे में तो देखो पहला स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भाई ऐसा कुछ नहीं है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही जो सूती की बात है वो भी यहाँ पे नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट थोड़ा ये साथ में ध्यान रखना कि ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि है क्या। बेसिकली देखो ये हमारे देश में जो भी ETF सरकारी कंपनी है उनके जो भी स्टॉक मार्केट है इनको बेचने में काफी हेल्पफुल है वो रहेगा। और इसी के साथ ही जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट, जैसे कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी तो उसके थ्रू ये पैसे को कलेक्ट है वो करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो देखो ये थी आज की हमारी क्वेश्चन डिस्कशन की सीरीज, आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम इसमें आगे और भी तरह की अपडेट हैं वो कर सकें। और इसकी जो PDF है वो आपको वेलकम UPSC के चैनल पे मिल जाएगी। और जो करंट अफेयर थी आज की उसकी एक्चुअली मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, थोड़ा काफ़ी लेट हो गया, तो उसके कल वाले के साथ वो अपलोड कर दी जाएगी। तो इसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम इसे आगे कंटिन्यू वो रखें और इसमें और ज़्यादा अपडेट है वो कर सकें। तो फिलहाल की डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।